आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चामी टैप से आप सेल्फ विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। पूरी जानकारी बताई है, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। देखो, आपको सिंपल सा क्लिक करना है माय अर्निंग पे। यहाँ पे आपको माय अर्निंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे $10 हैं और यहाँ पे $6 हैं। तो इन्हें विड्रॉल करना है हमें, तो सबसे पहले चेक करना है हमने कोई एजेंसी ज्वाइन कर रखी है या नहीं। सिंपल सा हमने एजेंसी ज्वाइन कर रखी है जिससे कि हमारी पेमेंट ईजिली विड्रॉल हो सकती है। अब आपको आ जाना है बैक और क्लिक करना है विड्रॉल वाले ऑप्शन पे। जब आप विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपल सा आप विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो स्टेप टू फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन मांग रहा है। तो ऑलरेडी इस होस्ट का फेस वेरीफाई हो रखा है दूसरी आईडी में, अब इसका इस आईडी में फेस वेरीफाई नहीं हो सकता क्योंकि एक आईडी में एक ही बार होस्ट का फेस वेरीफाई होता है। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, अब ये पेमेंट कैसे विड्रॉल होगी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, होस्ट को अपनी फीमेल फ्रेंड की कोई भी डीपी लगाकर उससे फेस वेरीफाई करा लेना है। और जब वो उससे फेस वेरीफाई करा लेगी तो ये जो यहाँ पे फेल्ड है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइट टिक लग जाएगा इस पर, देन वो पेमेंट विड्रॉल कर सकती है। मेट वॉलेट पे क्लिक करना है, सिंपल सा गो टू मेट वॉलेट, जीमेल वगैरह डाल के अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो सेल्फ विड्रॉल करता है उसमें से 100 विड्रॉल वाले, जो 100 बंदे विड्रॉल करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की पेमेंट आती है, क्योंकि 99.9% लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जब भी पेमेंट विड्रॉल करें तो सोच समझ के करें। अगर आपकी बड़े अमाउंट की पेमेंट है तो आपको 10 बार सोचना चाहिए पेमेंट विड्रॉल करने से पहले। या आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि कैसे आप विड्रॉल करेंगे और कैसे आप अपने अकाउंट में पैसे ले लेंगे। चलो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में।